नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा सत्र की तारीख में बदलाव हुआ है और अब 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र होगा। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा और पहले 25 जुलाई से ये सत्र शुरू होना था, लेकिन विधानसभा का जो सत्र है उसकी तारीखों में फेरबदल किया गया है और 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का विधानसभा का ये सत्र चलेगा। और इससे पहले 25 जुलाई से विधानसभा का ये सत्र शुरू होना था, लेकिन उस समय तारीखों में बदलाव किया जाता है और अब 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 13 से लेकर के 17 सितंबर तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा और जाहिर तौर पर इसमें कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि आप शामिल किए जाएंगे, जिनको लेकर के चर्चा भी होगी। गहमा गहमी होना लाजमी भी है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि 13 सितंबर से 17 सितंबर तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा, इससे पहले 25 जुलाई से विधानसभा का ये सत्र शुरू होना था, लेकिन तारीखों में बदलाव कर दिया जाता है और अब 13 सितंबर से इस विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। और यहीं आपको ये भी बताएं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की तारीखों में बदलाव हुआ है, उसके तहत 13 सितंबर से लेकर के अब 17 सितंबर तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तारीखों में बदलाव हुआ है, अब 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से तारीखों में बदलाव किया गया है, उस बात से जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होने वाला है, लेकिन पंचम विधानसभा के सत्र में अब जो तारीखें हैं उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन पंचम विधानसभा का जो सत्र है, अब ये बताया जा रहा है कि उसकी जो तारीखें हैं वो आगे की ओर बढ़ाई गई है, ताकि विधानसभा का सत्र जो है 25 जुलाई 2022 से प्रारंभ होने वाला जो सत्र है, अब वो 13 सितंबर 2022 से प्रारंभ होकर 17 सितंबर 2022 तक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा का मध्य प्रदेश पंचदश विधानसभा का कार्यक्रम था, उसमें बदलाव किया गया है, तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। 25 जुलाई से 13 सितंबर तक, यानी कि 20 से 25 दिन का जो इजाफा है वो किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि जब 13 सितंबर 2022 से सत्र प्रारंभ होगा, 17 सितंबर तक चलेगा, तो आखिर यहाँ पर क्या क्या जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन जितेंद्र, तारीखों में बदलाव के पीछे कोई अभी ठोस कारण स्पष्ट हो रहा है? अब देखो, देखिए, तारीखों में बदलाव के पीछे के जो कारण है वो कई बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग हुई है, उसके बाद का जो माहौल बना है उसका आकलन किया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति की वोटिंग है वो भी की गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी जगहों पर दिल्ली से, और ऐसे में जो पंचदश विधानसभा है वो बरसात के समय पर आ रही है, तो ऐसे में कई जगहों पर स्थिति जो खराब है वो भी हो सकती है। हालात जो है कि बारिश चलते खराब भी हो सकते हैं, तो इन पर भी कहीं नहीं सरकार का जो फोकस है, तमाम ऐसे चीजें हैं जिसको सामने रखा गया है और उन चीजों के आधार पर ही जो फैसले वो लिए गए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।